दगड़ा कट जा रहा है। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल में। कंचा आप लोग सब बढ़िया। आज मैं आई पानी के स्रोत पर, जगह के गोमा डांडा बोला जखन पानी होंदू तो भीड़ काम चल लगी, तो हम अगाड़ी जान लगे पूरा टॉप पर, जखन पानी टैंक का जग तक जान लगे। तो कुछ कुछ लोगों ने कमेंट करी ये हिंदी में वीडियो बना, तो हिंदी में बता देना हम जहाँ से हमारा गांव का पानी आता है वहाँ पे दिखाते हैं अपने कैसे कैसे जंगलों से पानी आता है, कैसे वहाँ पे इकट्ठा होता है। तो वहीं पे मिलते हैं आप सभी लोगों को। तो वहाँ हमारा नीचे हमारा गांव है, और ये देखो ऐसा लग रहा है यहाँ पे पहाड़ ख़त्म हो गया, बिल्कुल यहीं पे बैठा हूँ चोटी पे। तो आप चलते हैं नीचे और हमने जाना है वहाँ आगे तक जाना है जहाँ पर टैंक है। डाली डाली फूलों की कति लीटर टैंक है भाई? 5,30,000 का टैंक है। वायु चा टैंक, यह है टैंक, पानी इकट्ठा होता है जंगलों से, उस पर भरता है फिर गांव में जाता है। जंगल में पानी आपको पता कैसे कैसे इकट्ठा होता है, मैंने एक वीडियो डाली कैंपेन इंडिया, तो जंगल वहीं की है यहाँ से हमारे गांव का पानी आता है, वो देख लेना, नहीं तो मैं थोड़ा सा शॉट आपको दिखा देता हूँ। फिर वो इकट्ठा होता पानी फिर यहाँ आता है फिर गांव में जाता है। ठंडो पानी ठंडो पानी। दगड़ा कट जा रहा है रमेश भाई, राम भाई छिपाड़ो पड़ी छपाड़ो मैं कट समझो पहले अगर ना जी ये पर तो एक दौड़ तो मैं ते धरी आई की ते दिन बेटी पर्च बेटी ये छपाड़ो भाई मैडू निकाल जरा भाई। एक काम कर रमेश, ते सनी 3 सीढ़ी बिटिया इन सीढ़ी पर टिकाई कई सम ते लाट ते नु जाना वा बस अब ये लाट टिकाई तू तक मैं जपना ई ते मैडू दाल तक ते छपाड़ा मैडू को बात खराब हुई बुरा ऊषा ताल पंपिंग योजना में घूमने आए हैं, और यहीं पर श्री गोविंद राम जेटवाल जी का सोलर प्लांट लगा हुआ है, इनका गांव भी यहीं नीचे है। अब आपको गांव दिखाते हैं, ये रहा गांव है, ये इनका गांव है ग्राम सभा पेकट, और इन्होंने अपना एक यहां पे गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है कि कोई आए रहे, खाने की व्यवस्था वहीं है। इनके अपने ही गाँव के कुछ लोग, कुछ बेरोजगार युवा अपने साथ जुड़े हुए हैं जो कि इसकी देख रेख भी करते हैं और गेस्ट हाउस की देख रेख भी करते हैं, उनको जो है ये कुछ मानदेय भी देते हैं और अच्छी व्यवस्था कर रखी है। शायद हो सके तो किसी दिन आपको इनका गेस्ट हाउस दिखाएंगे। सोलर प्लांट में भी इन्होंने 2 कमरे इतने बढ़िया बना रखे हैं, लग्जरी कमरे जिनको बोलते हैं, पूरी व्यवस्था है, किचन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, और बहुत ही अच्छा घूमने का बहुत ही बढ़िया तरीका है यहाँ की, कहाँ क्या इनकी चारों तरफ पहाड़ियाँ और अच्छा लोकेशन, अच्छा व्यू है, वातावरण भी स्वच्छ है। तो यह प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे पास, जिन लोगों के पास अच्छा पैसा है, अच्छा सब कुछ है, वह भी ये सोलर प्लांट लगवाएं और स्वरोजगार की ओर आए और अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करें कि
उनको कुछ रोजगार बाहर नहीं मिले तो अपने गांव में ही सही। यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा दिखता हुआ, हम पहाड़ के बिल्कुल टॉप में बैठे हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी बिल्कुल खत्म हो चुकी है यहाँ पे। अबे ये पर बन माटू फूल, सुन मेरी बात, अब तब लगाने पर स्ट्रॉबेरी, यो दाल दाल उल्टा काम क्या करता, यू पार जाना कूलर टोकरा में छह साल लगा मैंने वहन जखम तन्नी लग गए खाने स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी लग गए जन आलू क्या रहे थे ना आलू क्या अरे यार भाई तो पता ही नहीं कुछ अच्छा मैं लोगों का पता ही नहीं काम मैं जान बता क्या ये मैम देख क्या मैं जान मैं ले तू एक वो एक ले आ जा ये तो पता क्या मैम कौन कौन चीज है चल बोल यार तू थोड़ा फटाफट खींच यार ये पर नहीं खींच मेरे फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डाल मैं हां ठीक है दान में सोशल मीडिया अब सुन दान अब दादी डाल दे यार तू दादी दान में दादी जरा ये गीत सुन यार नहीं सुने तो ये गीत कर दे यहीं फार्म फार्म भाई ना यार गीत सुनो अरे तू ये गीत सुनो हेलो परसों या गीत सुनो बेड़ पर कयो परदा जी या गीत सुनो मैं उतान कर लो ये उतान दिन उतान पकड़ देना सब पकड़ रहा था गांव ता सुन रहा ठीक है भाई तरीका मेरा बगीचा बनाई है बढ़िया वाला कटहल लग गया मेरा कटहल पेड़ अरे जम गया कंगरे आ गए उस पे काका फार्म तो मेरे दबाया मेरे बाबा कभी चार चार पांच कटहल तो डाल दिए लगी है तेरे बाबा बैठो जठाड़ा घर अरे मेरे बाप भयंकर काम कर छाट भाई मेरे बाबन तक भयंकर वाला कांटा कटहल स्ट्रॉबेरी वो आम ये फूल बन माटन अरे पर दान वो बी बोल दो मैंने स्ट्रॉबेरी भाई क्या कर कुछ राम भाई अखन कुछ राम भाई अखन लोन मैंने स्ट्रॉबेरी आता दान में नहीं मुझे स्ट्रॉबेरी के हां ए स्ट्रॉबेरी वजह तो नो बाड़ी तक लाल लाल तन खून बड़ दो अरे मां चल लगा दे अच्छा जी मैं क्या बोलूं अच्छा अच्छा जी बाकी दाल पर आम नहीं आए हां मेरे फुटकी के कहां छूट तू मेरे दोस्त है फुट नहीं आ रहे अबे दादी फुट रही मेरे दादी सा गल नहीं जड़े अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को